हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज़ नए वीडियोस अपडेट करते हैं। अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोज़ नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके शरीर के अंगों पर उन तिलों के बारे में जो बताते हैं कि आप कितने धनवान हैं। शरीर के 10 अंगों पर तिल बताते हैं कि आप कितने धनवान हैं। शरीर के 10 अंगों पर तिल बताते हैं कि आप कितने धनवान हैं। समुद्र शास्त्र में तिल का आपके अंगों पर होने का मतलब बताते हुए कई सुप्त तिलों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें से यह 10 स्थान ऐसे हैं जहां तिल होने का साफ मतलब यह होता है कि आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में भी ये तिल है कि नहीं जो बताते हैं कि आप कितने धनवान हैं, तो आज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि शरीर के किस भाग में तिल होने से आप धनवान होते हैं। नाभि पर तिल होना। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि पेट पर तिल होना तो शुभ नहीं होता, यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भोजन के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन तिल अगर नाभि के आसपास हो तब व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाभि पर जिस भी व्यक्ति के तिल होता है उन्हें धन की कमी कभी भी नहीं होती है, वो अपना जीवन ऐसो आराम से व्यतीत करते हैं। पीठ पर तिल होना। जिन व्यक्तियों के पीठ पर तिल होता है वे लोग रोमांटिक होने के साथ साथ धनवान होने का सूचक होते हैं। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और खूब खर्चा भी करते हैं, इन्हें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पैर के अंगूठे पर तिल होना। जिस भी व्यक्ति के पैर के अंगूठे पर तिल होता है माना जाता है कि वे लोग समाज में प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति होते हैं, अर्थात इन्हें समाज में काफी मान सम्मान मिलता है। इन लोगों को भी धन की कमी कभी नहीं रहती है, ये लोग बहुत धनवान होते हैं। तर्जनी उंगली पर तिल होना। दोस्तों, जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर तिल होता है वह धनवान तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत शत्रुओं से परेशान रहता है, अर्थात इन लोगों से लोग थोड़ा बहुत चिढ़ते भी हैं, क्योंकि ये लोग बहुत धनी होते हैं और अगर नहीं है तो जल्द ही इन्हें धन का लाभ होता है। नाभि के नीचे तिल होना। जिस व्यक्ति के नाभि के थोड़ा नीचे कहीं पर भी तिल होता है उसे धन की कमी कभी नहीं रहती है, तथा हमेशा वे लोग अपना जीवन ऐसो आराम से व्यतीत करते हैं, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। भौं के मध्य में तिल होना। भौं के मध्य में खाली स्थान के बीच में तिल का होना बहुत ही शुभ माना गया है, यह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, तथा साथ ही जिस भी व्यक्ति के भौं के मध्य में तिल होता है उन्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, ये लोग बहुत ही धनवान होते हैं। नाक के दाईं ओर तिल होना। जिनके नाक के दाईं ओर तिल होता है उन्हें कम मेहनत में ही धन का लाभ मिलता रहता है, यह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, ये थोड़ा सा मेहनत करते हैं और इन्हें ज्यादा लाभ होता है, इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती है। ठोड़ी पर तिल होना। जिस भी व्यक्ति के ठोड़ी पर तिल होता है उन्हें कभी धन का अभाव नहीं रहता है, क्योंकि इनकी आय का साधन हमेशा बना रहता है, ये लोग बहुत ही धनी होते हैं। अनामिका उंगली के मध्य में तिल होना। जिस भी व्यक्ति के अनामिका उंगली के मध्य में तिल होता है वो व्यक्ति बहुत ही धनवान और यशस्वी होता है, उसे भी कभी भी किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती है, इन लोगों के पास हमेशा धन आते रहता है। सबसे छोटी उंगली पर तिल होना। सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका पर तिल होना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठिका पर तिल होता है वह संपत्तिशाली होता है, लेकिन जीवन पर परेशानी और अशांति बनी रहती है, पर ये लोग अपनी सूझबूझ से उन परेशानियों का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।